नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में आज दोपहर छात्राओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्रा ममता राजपूत के साथ तीन अन्य छात्राओं ने जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव जेपी मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्रा ममता राजपूत के साथ गर्ल्स कॉलेज की तीन छात्राओं ने मिलकर मारपीट की है। छात्रा ममता राजपूत के आवेदन के आधार पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश अनुशासन समिति को दिए गए हैं। उपरोक्त मामले की जांच अनुशासन समिति 3 दिवस के अंदर करेगी। साथ ही उन्होंने संबंधित सिविल लाइन थाने को शिकायती आवेदन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं कुल सचिव जेपी मिश्रा ने कहा कि यह जांच का विषय है कि गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं कैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में आईं और यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्रा ममता राजपूत के साथ आखिर क्यों मारपीट की, यह बड़ा सवाल है। वहीं उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा पहले ही पुलिस अधीक्षक छतरपुर से एक स्थायी चौकी की स्थापना के लिए मांग की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए क्या भविष्य में पुलिस चौकी खोली जाएगी, यह बड़ा सवाल है। विराट 24 के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। आज एम ए 4 सेम की परीक्षाएं चल रही थी राज्य शासन के निर्देशानुसार, तो ज्ञात हुआ था कि जैसे ही एक छात्रा ममता राजपूत करके है वो बाहर निकली परीक्षा देने के बाद, तो था कॉलेज परिसर में साइकिल स्टैंड के पास 2-3 छात्राएं बाहर से आईं और उन्होंने उसकी मारपीट की। क्योंकि हम वहाँ थे नहीं, हम बैठक ले रहे थे HODs की, क्योंकि नया सेशन है तो हमको प्लानिंग करना पड़ती है। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं तुरंत लौट के आया, तो वो ममता राजपूत नाम की लड़की जो हमारे यहाँ की स्टूडेंट है वो तो खड़ी थी, लेकिन जो छात्राएं मारपीट करके कर रही थी वो नहीं थी मेरे सामने, मेरे संज्ञान में वो नहीं आई। लेकिन एक कोई पुलिस वाले बता रहे थे अपने आप को, वो कह रहे थे कि मेरी बहनें थी, उसने इन पे चाकू चलाया है, लेकिन मेरे सामने ये घटना नहीं हुई है। क्या कोई आवेदन प्राप्त हुआ है? हाँ, वो ममता राजपूत चूँकि हमारे यहाँ की स्टूडेंट है इसलिए उसने एक आवेदन दिया है और उसमें ऐसा बताया है कि दीप्ति राय, रानी राय और नम्रता राय और एक कोई संदीप राय है, इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। संदीप राय जी वहाँ खड़े हुए थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, इस लड़की ने चाकू चलाया है, ऐसा उन्होंने बताया जी। उधर किस प्रकार की कार्रवाई प्रबंधन में? अब उसमें ये है कि जो ममता राजपूत हमारे यहाँ की स्टूडेंट थी उसने तो हमको आवेदन दिया हुआ है, तो आवेदन हमने जांच समिति के अनुशासन समिति को दिया है कि इसकी 3 दिन में जाँच प्रस्तुत करें, और सिविल लाइन थाने को भी हमने उस आवेदन को नियमानुसार कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिया है। क्या मानते, कुछ वजह सामने आई किस प्रकार, कैसे? अब वो तो जो वहाँ वातावरण से और जो लोग खड़े थे उनके कथनों का यदि हम जिक्र करें तो उसमें ये था कि वो लड़कियाँ गर्ल्स कॉलेज की थीं, जो 3 आई थी, मतलब आउटसाइडर थीं, और वो ममता राजपूत के साथ मारपीट की, और ममता राजपूत जी ने अपनी आत्मसुरक्षा में इस तरह का काम किया है, जो जाँच में पुलिस को चूँकि दे दिया है तो तथ्य सही जो है वो जाँच में सामने आएंगे।